राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी और इसके साथियों ने मिलकर 6 मई से 31 मई तक मुफ्त भोजन की सेवा कोरोना काल में जो फंसे मजबूर और मजदूर लोग हैं ऐसे लोगों की मदद हेतु शुरू की है, जिसके चलते रोजाना सुबह 500 डिब्बे नाश्ता और शाम को भरपेट भोजन सेवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, डागा अस्पताल, मेयो अस्पताल और चौक चौक जाकर पेशेंट के रिश्तेदार, गरीब मजदूर और मजबूर लोगों तक जाकर भोजन सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान जय डायलकर, यश चंदन बानी, यश साकला, आदित्य पंचबुदे, शुभम लांडगे, हिमांशु लांडगे, राम चरडे, ऋषिकेश सलामी, ओम बुलबुले उपस्थित थे। इस संबंध में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी ने अधिक जानकारी साझा की। आज हमने ये स्टूडेंट फाउंडेशन के माध्यम से रोज गरीब मजबूर बेसहारा लोगों के लिए खाना उपलब्ध किया है। हम चाहते हैं कि सब नागपुर में सभी लोगों को खाना मिले। आज कैसा है, अच्छे घर के भी लोग हैं, कहीं उनको भी खाना नहीं मिल रहा है। हम लोग मेडिकल में जाते हैं, कई लोग हमको मिलते हैं जिनके पास पैसे होते हुए भी खाना नहीं है, क्योंकि ना होटलें चालू है ना किराने की दुकान चालू है। इस वजह से कई अच्छे लोग भी मिलते हैं हमको, जो हमारे लिए हमारे पास खाना नहीं है, भैया हमको खाना दे दो, ऐसा मांगते हैं हमसे। तो ये देखकर खुशी तो नहीं होती है, पर ऐसा महसूस होता है कि हम किसी के लिए, हम देश के लिए, नागपुर के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और इसी माध्यम से हम मेडिकल, मेयो, डागा, इन सब अस्पतालों में और अपने रस्तों में जो भी लोग हैं बेसहारा, कई झाड़ू वाले हैं जिनकी कोई बिक्री नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा है उनका, तो उन तक भी हम मदद पहुंचाना चाहते हैं। कोई हमसे आकर कुछ मांगता है, हम उसकी भी मदद करते हैं।